नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। बता दें आपको कि जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें गोपाल मंडल अपने अलग ही अंदाज में यहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार पर एक ठहाका मारते नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा के बाहर जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल ने गुरुवार को एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने भागलपुर एसपी के खिलाफ खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि भागलपुर के एसपी दारू और लड़की के शौकीन हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, टिकट तो मेरे पॉकेट में है। शाहनवाज को कई बार जिताया लेकिन इस बार मैं लड़ूंगा। वहीं के पाठक को लेकर उन्होंने बताया कि के पाठक अच्छे व्यक्ति हैं, काम करते हैं। उन्होंने टीचर को सुधारने का काम किया है, इसलिए के पाठक बदनाम है। इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर पहले आप ये सुनिए कि आखिरकार यहां गोपाल मंडल जो हैं वो नीतीश कुमार के लिए एक फंदा क्यों बनकर नजर आ रहे हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। टिकटवा मेरे पॉकेट में है, बीजेपी कह रही है कि शहनवाज हुसैन को आगे लाएंगे। कोई नहीं, आज शहनवाज बहुत जिता दिए उसको, अब नहीं, अब हम लड़ेंगे। कौन पार्टी से लड़ेगा? अरे मिलवे करेगा तो नहीं मिलेगा। जदयू से लड़िएगा? जदयू से नहीं मिला टिकट तो सर। देखिए भड़काइए हमको मत। अरे अजय मंडल बीमार चल रहे हैं, बाईपास सर्जरी हुआ है, बोल नहीं पाते। उनको समझा दिया अजय मंडल जी को, छोटा भाई एमएलए का चुनाव लड़ना, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने में गिर जाओगे तो कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो आप अपने डिसाइड करेंगे लड़ेंगे? हम डिसाइड करेंगे, हम लड़बे करेंगे। तो नेता नीतीश को नहीं मानते हैं? अरे सब बात हुआ है, छोड़िए ना, हम काम करके दिखाते हैं ना। नीतीश कुमार को नेता मानते हैं कि नहीं? कैन मानेंगे भाई, नहीं के ना अति से निर्देश से होगा। हम तो शुरुए से नीतीश कुमार समता पार्टी से अभी तक उनके साथ हैं, मरणोपरांत तक नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। टिकट के मालिक कौन है कि आप हैं? सब बात है, टिकट का मालिक वही है, हम काम करने वाले आदमी हैं, दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता है गोपाल मंडल के अलावा, हम ही जीतेंगे। किसको रुको गाली नहीं दे रहे हैं, वो शिक्षकों को सुधार रहा है, गाली नहीं देते हैं। के पाठक जी बढ़िया आदमी है, नहीं गाली कहाँ देता है। 9 से 5 जो कह रहे हैं ठीक है, वो यही टाइम रहना चाहिए। वो तो टाइम टूटेगा, 10 से 4 बजे तक चलेगा। मुख्यमंत्री जी ने तो सदन में भी कहा, अरे हो जाएगा, वही चलेगा, मुख्यमंत्री को मान के थोड़ो इग्नोर कर चलेगा। विपक्ष कहने से क्या होगा, विपक्ष का कोई गिनती है मेरे सामने? भीड़ दिख रहा है, तेजस्वी जी यात्रा पे निकले हुए हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं भीड़ देखिएगा, सब कोई अपना अपना आजमाइश कर रहे हैं। वहाँ के एसपी को आप गलिया रहे थे, कह रहे थे केवल ब्राह्मण गरियाते नहीं है। अब क्या, अब कितना बात बोलेंगे की बात को, अच्छा एसपी नहीं मिला है, बढ़िया एसपी मिलना चाहिए, ये दूसरे टाइप का है, बदमाशों से संगत है, इनको सामने दारू चाहिए, लड़की चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो गोपाल मंडल हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली नीतीश कुमार पर हमला करते नजर आए हैं। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर कहा कि टिकटवा तो हमारे पॉकेट में है, और यहाँ पर जो है एसपी है उन पर एक आरोप लगाते नजर आए। तो बता दें कि यहाँ पर एक नीतीश कुमार के अधिकारी पर वो आरोप लगाते नजर आए हैं, तो इसका मतलब यहाँ नीतीश कुमार के खिलाफ वो अब आग उगलते नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, और देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।